हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो आइए देखते हैं हम ब्लड के बारे में। देखिए, ये जो हमारा ब्लड होता है ये क्या है, ये फ्लूइड इसका नेचर होता है, यानी कि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है और फ्लूइड इन नेचर। इसका पीएच क्या होता है, 7.3.5 to 7.45। टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। टोटल वॉल्यूम 5 to 6 लीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0 to 5.5। इन ब्लड अप्रॉक्सीमेटली 90% RBCs आर प्रेजेंट, यानी जो हमारे ब्लड में RBC रेड ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं वो 90% प्रेजेंट होते हैं। इन RBC हीमोग्लोबिन प्रोटीन आर प्रेजेंट। ड्यू टू हीमोग्लोबिन द RBC आर रेड इन कलर, यानी कि जो हमारा RBC होता है उसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे RBC का कलर रेड होता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, RBC आर बाई कॉनकेव सेफ, यानी कि RBC का जो सेफ होता है वो बाई कॉनकेव होता है एंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। RBC फॉर्मड इन बोन मैरो, यानी कि RBC का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है और वो डेड कहाँ होता है, स्प्लीन में। और इसकी डेफिशिएंसी क्या लीड करती है, एनीमिया, ज्वाइंटिस एंड अदर डिसीज। यानी कि अगर RBC यानी कि ब्लड की डेफिशिएंसी हमारे ब्लड में होती है तो वो एनीमिया एंड ज्वाइंटिस एंड अदर डिसीज कॉज करती है। इसके बाद अब आइए हम देखते हैं हमारे ब्लड के फंक्शन के बारे में। तो हमारे जो ब्लड का फंक्शन है इसे हम ट्रेस पी, यानी कि ट्रेस पी, ये हमारा निमोनिक है। ये ट्रेस क्या है, हम ट्रेस कर रहे हैं किसको, ये जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक हो सकती है लेकिन हम अपने निमोनिक के अकॉर्डिंग ही इसमें निमोनिक हम अपने। तो हम इसका फंक्शन ऑफ ब्लड को देखेंगे ट्रेस पी के अकॉर्डिंग। ट्रेस पी क्या है, हमारा निमोनिक है इस पूरे फंक्शन का। तो इसमें क्या है, हम ट्रेस कर रहे हैं पी को, यानी पी क्या है, क्रिमिनल है और उसे हम ट्रेस कर रहे हैं। ये टी आर, ये सारे जो एक एक वर्ड है ना, इससे कोई ना कोई फंक्शन बन रहा है। तो ये जो टी है ये क्या, तो ये जो टी है ये लीड रोल कर रहा है। इसके क्या है, इसके 4 मेंबर हैं और जो ये आर है वो उससे थोड़ा जूनियर है, तो इसके क्या है, इसके 3 मेंबर हैं। और ई और यस जो हैं ये दोनों क्या हैं, ये बिल्कुल ही जूनियर हैं, तो इनका क्या है, ये इनके इनके अंडर कोई मेंबर काम नहीं कर रहा। और जो हमारा पी है ये क्या है, ये तो क्रिमिनल ही है, इसे तो हम ट्रेस ही कर रहे हैं, यानी कि हम पकड़ने की कोशिश ही कर रहे हैं। तो ये ट्रेस पी हमारा निमोनिक हो गया। और इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये जो ट्री है ये इसका सबसे सीनियर ऑफिसर है, यानी कि टी। तो ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या है, 4 मेंबर काम कर रहे हैं, यानी क्या क्या वर्क कर रहा है, देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, एंजाइम्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स यानी कि हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद आर, ये जो आर है, आर से हमारे रेगुलेशन, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है और हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करता है। तो ये हमारे 3 फंक्शन हो गए रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। और इसके बाद इसका 3rd फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, यानी जो हमारा ब्लड है वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, स्टोरेज फंक्शन को भी करता है, यानी कि स्टोरेज का काम भी करता है, और प्रोटेक्शन यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम जो हमारा है जिसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो भी तो हमारे ब्लड में ही रहती है ना, तो वो हमें क्या करता है, हमारे कोई भी अगर अनदर पार्टी का मेंबर हमारे ब्लड में आ रहा है या हमें कोई इन्फेक्शन क्रिएट करने का कोई भी बैक्टीरिया वायरस ट्राई कर रहा है, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, ब्लड हमें प्रोटेक्शन करता है। इसमें क्या होता है, WBC होती हैं जो क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस, यानी कि क्या करती हैं, जो भी बैक्टीरिया है उसे क्या करती हैं, इंगल्फ कर लेती हैं, और उससे क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन मिलता है, ये जो कि हमारे ब्लड का फंक्शन है। तो ये हमारा निमोनिक क्या हुआ, ट्रेस पी, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आर फॉर रेगुलेशन, ई फॉर एक्सक्रीशन, एस फॉर स्टोरेज और पी फॉर प्रोटेक्शन। थैंक यू गाइज।